हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। ओके, आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा और लाइफ स्टाइल में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं अपना ब्रेकफास्ट पे आपसे मिल रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मैंने एप्पल ओट्स स्मूदी बनाई है, जिसके लिए सिर्फ एक पूरा एप्पल लिया है, 3 चम्मच ओट्स के थे, उसको भिगो के रखा था आधा घंटा पहले, और दूध लिया आधा कप। इन तीनों को मैंने ये ग्राइंड कर लिया है, और मैंने कोई भी इसमें ड्राई फ्रूट ऐड नहीं किया, कोई मीठा ऐड नहीं किया। अगर आप मीठा ऐड करना चाहते हो तो आप 1 चम्मच हनी का डाल सकते हैं, आधा 1 चम्मच आपके मीठे के अनुसार। मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि मेरे को एप्पल की स्वीटनेस अच्छी लगती है, इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। और अभी टाइम हो चुका है 9 बजे। 9 बजे मैं अपना ब्रेकफास्ट ले रही हूँ, और पता है पता ठंड है ना, ठंड में ठंडे ठंडे तो पियन जाता है दूध, तो हल्का सा ना मैंने ना गुनगुना पहले दूध कर लिया था, तो ये गरम गरम ड्रिंक है, तो मेरे को अच्छी लग रही है, इसको हाथ में पकड़ने से तो अच्छा लग रहा है। ठंड में ठंडी चीज तो बिल्कुल भी नहीं पी जाती है। और मैंने अपनी जो मॉर्निंग ड्रिंक ली थी वो आज मैंने ली थी, धनिया का पानी लिया था, और उसके बाद मैं 1 घंटे बाद अपना ले रही हूँ ये ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आज ये है, आपकी मर्जी है, अगर आपको रोटी सब्जी खानी है, पराठा खाना है, ओट्स खाना है, उपमा खाना है, काफी ऑप्शन होते हैं सब, बस आपको पोषण कंट्रोल करके खाना है। तो मेरा स्मूदी पीने का मन था, एप्पल ओट स्मूदी, देखिए अपनी शुरुआत मैं इससे कर रही हूँ, तो देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। सच में बहुत अच्छी है, मेरे को लगता है इसमें कोई मीठा डालने की जरूरत ही नहीं होती किसी, क्योंकि एप्पल की खुद की एक मिठास होती है, तो ये बहुत टेस्टी है। अगर आप लोगों ने कभी नहीं ट्राई किया, आप एक बार जरूर ट्राई करें। बहुत सिंपल है, बस ग्राइंड कर देना है तीनों चीज़ों को। ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं डाल सकते हैं आप। तो चलो आराम से मैं इंजॉय करती हूँ ब्रेकफास्ट, फिर मैं आगे आपसे मिलती हूँ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो गाइस, मेरा गर्मा गर्म लंच रेडी हो गया। लंच में आज मैंने बनाया है मटर, आलू, प्याज, टमाटर डाल के एक हल्का सा मैंने अच्छा सा टेस्टी सा एक मैंने पुलाव बनाया है। उसमें पता है बस ना नमक मिर्च मैंने डाला, और मैंने खड़े मसाले ज़्यादा डाले हैं इसमें। मोटी इलायची डाली है, 2 सूखी लाल मिर्च डाली है, दालचीनी का वो डाला है, और मैंने लौंग डाला है। पता है मेरे को ना आजकल ना विंटर्स में ना खड़े मसाले बहुत पसंद आने लग गए, विंटर्स में अच्छे लगते हैं, तो ना इसलिए मैं खड़े मसाले डालती हूँ, और कोई मसाला मैं ऐड नहीं करती हूँ। सूखे मसाले में सिर्फ नमक मिर्च ऐड की है, और मैंने एक पुलाव बनाया है। और ना पता है इसके साथ ना कोई भी वेजिटेबल सॉरी मैंने इसका कोई भी ना सैलड नहीं लिया, क्योंकि मेरे को पुलाव के साथ ना ऐसे ही अच्छा लगता है। सैलड वैसे मैं कल खीरा वगैरह, लेकिन ना मेरे को ना राइस के साथ ना खाली ना ऐसे ही अच्छा लगता है। लेने को तो मैं खाली प्याज प्याज इसका दे लेती हूँ, लेकिन मेरा आज प्याज लेने का भी मन नहीं है, मेरे को लगा मैं ऐसे ही खाती हूँ। अगर आप दही वगैरह आपको सूट करती है विंटर्स में तो आप ले सकते हैं। मेरे को पता है मेरे से ना बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं इसका टेस्ट करके देखूँ ये बने कैसे है, क्योंकि अभी अभी गर्म गर्म बने हैं। तो सीरियसली ये बहुत अच्छे बने हैं, इसमें खड़े मसालों का जो खुशबू आ रही है ना इतनी अच्छी आ रही है, इतनी बढ़िया लग रही है ना, बहुत यमी लग रहे हैं। तो आज मेरे लंच में ये है। अगर आपको प्रॉपर कुछ इसके साथ मतलब आपको सैलड भी लेना चाहिए, दही भी लेना चाहिए, बट मेरा मन नहीं था, और दही मैं विंटर्स में बिल्कुल भी नहीं खाती, मेरे को सूट नहीं करती है, और सैलड लेने का मेरा मन नहीं था, इसलिए मेरे को लगा मैं आज ऐसे ही खाती हूँ। और ये सिर्फ 1 कटोरी करीब राइस है, मैंने 2 कड़छियाँ लिया, एक पूरी कड़छी भर के लिए और एक आधी, मतलब ये है 1 कटोरी होती है ना छोटी कटोरी, वो है राइस, उतनी क्वांटिटी ही मैं राइस की खाती हूँ। आराम आराम से खाओगे तो आपका इससे भी पेट भर जाएगा, जरूरी नहीं हमको पूरा थाली भर के लेके बैठना है, क्योंकि पोर्शन कंट्रोल, आपको खाने का पोर्शन मैनेज करना है। आप अगर थोड़ा लेके बैठेंगे ना उसको ही, अगर आप आराम से चबा कर खाएंगे ना, तो आपका 100% उसमें पेट भर जाएगा। साथ में आप सैलड लेंगे, दही वगैरह लेंगे, तो अगर आपके से पेट नहीं भरेगा तो उससे भर जाएगा। तो आपको अपनी प्लेट बार बार रिफिल बिल्कुल भी नहीं करनी है, बार बार दोबारा भरनी नहीं है। तो चलो लंच करती हूँ आराम से बैठ के, फिर मैं आगे आपसे मिलती हूँ। A few moments later. Guys, अभी इवनिंग का टाइम हो चुका है, मैंने अपना लंच 1 बजे किया था, उसके बाद अभी 3:30 हो चुके हैं, तो ना धूप बहुत ज्यादा अच्छी निकली हुई है, लेकिन मैं धूप से बस ऊपर से नीचे आ चुकी हूँ, तो उतना ही मैं वो काम करना होता है, ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता। तो इस टाइम पे मैं ये ग्रीन टी ले रही हूँ, अपनी ऑर्गेनिक इंडिया की तुलसी ग्रीन टी है ये, तो बस मैं ये ले रही हूँ। और साथ में मैंने अपने भीगे हुए 5 बादाम, पता है मैं चलते फिरते होता है ना कि वो मैं खा लिए मैंने, तो फिर मैं इस टाइम बोला ग्रीन टी आपको दिखानी चाहिए, बस मैं ग्रीन टी पी रही हूँ इस टाइम। आपका जो मन करे आप पी सकते हैं, अगर आपने सुबह पी, अगर आप मिल्क पी आपने तो आप इस टाइम मिल्क पी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफी ले सकते हैं। पता है गर्मियों में तो होता है ना कि ठंडी ठंडी चीजें पीने का मन करता है, लेकिन सर्दियां एक ऐसा टाइम है जिसमें गर्म चीजें पीने का मन करता है, तो इस टाइम जो आप प्रेफर करते हैं आप इस टाइम पी सकते हैं। भूख है तो कुछ ना कुछ साथ में जरूर ले, जैसे मैंने ना मॉर्निंग में तो क्या बोलते हैं 11:30 बजे करीब तो मैंने एक अपनी ग्रीन टी ही ली थी ये वाली, और साथ में मैंने एक किन्नू लिया था। इस टाइम पे आपको मौसमी फ्रूट जो सीजन में है फ्रूट आपको वही खाने चाहिए, तो मैंने किन्नू लिया था। किन्नू इस टाइम बहुत ज्यादा आ रहा है, पता है कितने रुपए किलो लेके आई थी, 50 रुपए के 2 किलो लेके आई थी, तो 25 रुपए किलो हुआ। तो उस टाइम मैं 11:30 बजे करीब मैंने खा लिया था, इस टाइम मैंने 5 बादाम। मतलब आपको कुछ ना कुछ खाना है, अगर आपको इस टाइम पे ज्यादा भूख है मखाने खा ले, मुरमुरे खा ले,
कोई भी चाट बना के आप इस टाइम पे खा सकते हैं, लेकिन आपको कुछ अनहेल्दी नहीं खाना है। यही एक टाइम होता है जब हम कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ मतलब सोचते हैं कि हम बाहर से कुछ मंगवा लें, लेकिन आप कुछ ना कुछ हेल्दी खाएंगे तो आपको क्रेविंग्स है वो शांत हो जाएंगी और डिनर भी आप ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। तो बस आज मेरे ये इवनिंग में ग्रीन टी है, तो चलो आराम से मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ, फिर आगे मैं आपसे मिलती हूँ। A few moments later. मैं अपना डिनर बना के आ चुकी हूँ। डिनर में मैंने बनाया है आज मूंग मसूर की दाल बनाई है, दाल सूप बनाया है मैंने। इसमें मैं इसमें देसी घी का तड़का लगाया है, साथ मैंने हींग डाली है, जीरा डाला है, नमक मिर्च एंड हल्दी दैट्स इट, और प्याज टमाटर भी डाले हैं। प्याज टमाटर कैसे भूल सकती हूँ मैं। तो मेरे को लगा मेरे को ना आज ना डिनर में अपना कुछ ना कुछ दाल लेनी थी। मेरा वैसे ना पता क्या है, मैं ना चने वाली दाल होती है ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, चने वाली दाल, और जो ग्रीन मूंग दाल है उसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने आज वो नहीं बनाई। मेरे को लगा मूंग मसूर की दाल बनाते हैं, इसको बनाने में हार्डली 5 मिनट लगते हैं इस दाल को बनाने में, और स्वाद भी लगती है, इतनी टेस्टी लगती है, तो मेरे को लगा आज मैं दाल ही बनाती हूँ। और वैसे भी डिनर आपको हल्का ही करना चाहिए, और वैसे भी सबसे बड़ी बात जो ये है कि ये जो दाल है इसमें प्रोटीन होता है, तो आपका पेट काफी टाइम तक फुल रहेगा। आप 1 से 1.5 कटोरी दाल के ले सकते हैं, ये छोटी कटोरी नहीं, ये बड़ा बाउल है, तो मैंने ये भर के लिया है। तो बस मैं यही खाने वाली हूँ, और अभी टाइम हो चुका है 7:45 रात का, यानी कि 7 बजने वाले हैं, तो बस मैं अपना डिनर कर रही हूँ। वैसे 7:15 तक मैं अपना डिनर डन कर लेती हूँ, उससे पहले भी कर लेती हूँ, तो आज मेरे डिनर ऑप्शन में ये है। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मैं अपना ये डिनर करूंगी। तो आज की वीडियो बस यहीं तक है। आपने आज तीनों के तीनों मील्स देखे, और आपने ये भी देखा कई लोगों को लगता है कि उनको जब अपनी वेट लॉस जर्नी में जाना है तो आपको कार्ब्स छोड़ने पड़ेंगे। कार्ब्स तो आपने देखा होगा कि मैंने कार्ब्स भी खाया, मैंने राइस खाया है, और मैंने कार्ब्स अपना मैंने 25 किलो के करीब अपना वजन कम किया, और मैंने एक बार भी अपना कार्ब्स नहीं छोड़े है, और मैंने अपना वजन 5.5 महीने में कम किया। मैं रोटी भी खाती हूँ, राइस भी खाती हूँ, सब कुछ खाती हूँ, आपने जैसे कि देखा है, मैं कभी भी नहीं छोड़ती। और आज आपने तीनों मील्स देखे, अगर आप ऐसे ही सब कुछ मैनेज करके खाएंगे तो आपका वजन महीने में 6 से 7 किलो वजन तो डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। आप बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आप नए न्यू तक सब्सक्राइब करें, अगर आप पुराने न्यू तक लाइक करना भी मत भूले। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।